हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, एक बार एक गिद्धों का झुंड समुद्र के बीचों बीच टापू पर जा पहुंचा। वहां पर अपने खाने के लिए बहुत सारे जानवरों को देखा और वे सब मन में विचार बनाए कि यहीं पर क्यों ना रहा जाए। वह वहां पे रहने लगे, वहाँ पे बड़े आराम तलब जिंदगी जीने लगे। एक दिन गिद्धों में वयोवृद्ध गिद्ध, जो सबसे वृद्ध था, उसने कहा कि हम लोग आराम तलब जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग अपने कार्य कुशलता को, जो संघर्ष होता है, वो भूल गए हैं। यहाँ तक कि उड़ना भी धीरे धीरे भूल जाएंगे अगर हम ऐसे आराम तलब जिंदगी जीते रहे तो। सभी गिद्ध कहे, आप तो सठी आ गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, ऐसा कोई कभी होता है क्या? बूढ़े गिद्ध ने कहा, ठीक है, तुम लोग रहो, मैं तो चलता हूँ। वह वापिस फिर जंगलों में चला गया। धीरे धीरे कुछ समय बीता। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि चलें अपने उन मित्रों को उस टापू पे देखा, तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध मर चुके थे, कुछ घायल अवस्था में थे। जब वह उस घायल गिद्ध के पास पहुँचा और पूछा, ऐसी कैसे हालत हो गई? उस घायल गिद्ध ने कहा, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक एक दिन जहाज से कुछ चीतों को छोड़ दिया गया। चीते कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं किए, पर वह जब ये देखिए कि हम लोग उड़ नहीं पा रहे हैं, उड़ना भूल गए हैं, वो हमला करने लगे और धीरे धीरे हम लोगों की ऐसी हालत कर दी। जब वह गिद्ध बताया तो बूढ़े गिद्ध ने कहा, हमारी बात तुम लोग नहीं माने। घायल गिद्ध ने कहा, ठीक कह रहे थे आप। दोस्तों, जब हम संघर्ष नहीं करेंगे, आराम तलब जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, अपनी आदत संघर्ष का भूल जाएंगे, तो ऐसे भी हालत हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।